Hi friend, this is Ans and you're watching Mr. Ans channel on YouTube and in this video आज की वीडियो में हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट के अबाउट। पास्ट की हम सब टाइप्स करेंगे आज। तो सबसे पहले इंडेफिनेट के बारे में देखेंगे। इसका फार्मूलाज जो हैं वो बहुत ज़रूरी है सबको बनाने के लिए। तो फार्मूलाज आते होंगे, आप सेंटेंसेस बना सकोगे, सेंटेंसेस आते होंगे, आप लिख सकोगे, लिख सकोगे तो आप स्पीकिंग कर सकते हैं इंग्लिश की। तो सबसे पहले फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूलाज का देखें तो इसमें ये होता है कि जो हम काम करते हैं ना डेली, लेकिन वो हम करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाता था, आप स्कूल जाते थे, वो खेलते थे, वो गाना गाते थे। मतलब कि हम कोई काम करते थे और हम रोज़ाना करते थे, लेकिन वो पास्ट में करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला देखें आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि हमने काम किया है, हम करते थे, ठीक है ना, तो वो पास्ट में है, ठीक है। सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है, जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हमारा वो एक्टर, ठीक है, जिसने काम करना है। और वर्ब वो होता है जो एक्शन होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो होता है जिस पर हम एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्टर जो है वो गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। अब एक्टर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, गाड़ी ऑब्जेक्ट है, और वो चलाना, जो वो गाड़ी चला रहा है वो हमारा वर्ब हो गया। अब आपको इसके सब कुछ समझ लग गई ना। अब हम आगे सेंटेंसेस कुछ मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देखें किस तरह मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अली वेंट टू स्कूल, सो यहाँ अली जो हमारा वो सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी डिडंट मैंने लगा दिया है, नोट मैंने अकेला नहीं लगाया, मैंने डिडंट लगाया, ठीक है। डिड मैंने यानी कि डू डिड, तो डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है, तो वो हमने लगा के डिड नॉट लगा दिया। अगर हमने तो ये हमारा हो गया है। अभी हमने इंटरेक्टिव बनाना है, तो उसको आप देखें, पिछला हमने नेगेटिव बना चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इंटरेक्टिव में देखें कि हमने डिड शुरू पे लिए हैं, अली वेंट टू स्कूल, वेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डिड हम शुरू पे लेके आएंगे, ठीक है ना। आपने जब भी बनाना है ना तो वर्ब को फर्स्ट पे लेके आना है। जब भी आपने किसी भी सेंटेंस का इंटरेक्टिव बनाना है ना, आप हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ड्यू, डिड, ये आपने ना फर्स्ट पे लेके आने सबको, ठीक है ना। अब आगे देखें आप, पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आपको पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, वाज वर, इज एम आर, विल हैव, शैल हैव, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने देखें अब सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी लगता ही लगता है, हर कंटिन्यूस में आईएनजी लगना ही है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी साथ लग जानी है। वाज वर लगाएंगे, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा था, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जा रहा था, वाज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा था। यहाँ पर वाज में फर्स्ट पे ले गए हेल्पिंग वर्ब को, जैसे आपको बताया था। पास्ट परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैड लगाया, हैज़ हैव नहीं मैंने लगाया, हैज़ हैव लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। इतना फ़र्क है हैड और हैज़ हैव में, इतना फ़र्क है। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं, और हैड जो हमारा पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की थी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखें, अली हैड गोन टू स्कूल, अली हैड नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है, हैड अली गोन टू स्कूल। तो ये हमारा तीनों हो गए, ठीक है, इंटरेक्टिव हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, यहाँ पे बीन लगा देना है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, आईएनजी भी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, ऑब्जेक्ट भी लगेगा। और यहाँ पे न्यू चीज़ मैंने ऐड की है, सिंस फॉर। सिंस कब लगेगा? जब आपने कोई डेट दे देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये काम कल 5 बजे से कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं सिंस लगा दूंगा। जब फार की बात आएगी तो मैंने टाइम नहीं देना, मैं ये काम कल से कर रहा था, ठीक है ना। तो जब मैं कहूँगा ये मैं काम कल 5 बजे से कर रहा था, तो मैंने सिंस लगा देना है। ये काम मैं सुबह से कर रहा था, मैंने सिंस लगा देना है। ये टीवी मैं देख रहा था कल 10 बजे से, मैंने सिंस लगा देना है। जब मैंने टाइम देना है, मैंने फिक्स कोई पॉइंट देना है, तब मैंने सिंस लगाना है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ हम ना एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ईयर्स। अब मैंने यहाँ फार क्यों लगाया? क्योंकि मैंने कहा कि सालों साल, मैंने कोई साल को मेंशन नहीं किया कि जनवरी या मैं, फॉर एग्जांपल 2019 2018, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ईयर्स। अब पता नहीं कौन सा ये अगला फिक्रा देखें, अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ईयर्स। अब मैं यहाँ फार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझा दिया है, आपको समझ आ गई होगी, मैं फार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अली सालों से स्कूल जाता रहा था, ठीक है, अली सालों से स्कूल नहीं जाता रहा था, क्या आधी सालों से स्कूल जाता रहा था। तो ये हमारे तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंसेस आ गए हैं। अब सबको देखें कि पास्ट में हम कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं हर टाइम में, ठीक है।
subject plus verb second form plus object, subject plus was verb plus verb first form plus ing plus object, subject plus had plus verb third form plus subject, subject plus had been plus verb first form plus ing plus object plus since for is our today's lecture. Thank you.